Children, today I am going to teach you about good manners. Children, it is very necessary to have good manners because it makes us a well-behaved person and it also shows respect towards elder. बच्चों, आज मैं तुम्हें अच्छी आदतों के बारे में बताऊंगी. अच्छी आदमी आदत होने से आदमी अच्छे इंसान बनते हैं. इसीलिए यह जरूरी है कि हम अच्छी आदतें सीखें. यह हमें बड़ों के प्रति आदर भी सिखाता है. सो लेट्स अबाउट देम. टू लिटिल मैजिक वर्ड्स, प्लीज एंड थैंक यू. ये दो जादुई शब्द है, प्लीज और थैंक यू. ओपन ऑल द डोर्स. When you ask something, ask with please. जब हमें कुछ चाहिए तो हमें हम क्या कहते हैं, please. When you get something, say with a smile, thank you. यदि हमें कोई कुछ देता है तो हम मुस्कुरा के हमें उसे thank you कहना चाहिए. So children, let's more about them. If anybody ask to you, how are you? Then what should be? You say, I am fine, thank you. यदि तुम्हें कोई कहता है, तुम कैसे हो? तुम क्या उसका जवाब दोगे? I am fine, thank you. What should you say if you have done something wrong? यदि तुमसे कोई गलती हो जाती है, तुम क्या कहोगे? I am sorry. What should you say when you cough, sneeze, etc.? यदि तुम छींकते हो या खांसते हो तो तुम क्या कहोगे? Children, excuse me, please. What should you say when ask for something? जब तुम किसी से कोई चीज पूछते हो तो तुम क्या कहोगे? प्लीज. व्हाट शुड यू से बिफोर एंटरिंग योर क्लासरूम? क्लासरूम में प्रवेश करने के लिए तुम क्या कहोगे? मे आई कम इन मैडम. व्हाट शुड यू से इफ यू वांट टू गो टू द टॉयलेट? यदि तुम्हें टॉयलेट जाना है तो तुम क्या कहोगे? मे आई गो टू टॉयलेट मैडम. व्हाट शुड यू से व्हेन यू गेट समथिंग फ्रॉम समवन? यदि तुम्हें कोई कुछ देता है तो तुम क्या कहोगे? थैंक यू. सो चिल्ड्रेन लर्न ऑल दीज गुड मैनर्स एट योर होम. थैंक यू फॉर वॉचिंग.